हेलो माय डियर फैमिली, क्या हाल चाल है भाई सबके। वेलकम बैक अगेन। आज का अपना एपिसोड नंबर है 334। तो चलो आते हैं सीधा मुद्दे पे। तो आज की हमारी सबसे पहली अपडेट है डार्लिंग प्रभास की राजा साहब मूवी से, जहां कल फाइनली इस मूवी का ग्लिम्स ड्रॉप हुआ, जो कि मुझे अच्छा लगा। और मूवी के डायरेक्टर मारुति ने यह प्रॉमिस किया है फैन से कि वो डायनासोर को डार्लिंग अवतार में फिर से प्रेजेंट करेंगे, और उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये मूवी अगले साल समर में रिलीज होने वाली है, तो मूवी की रिलीज डेट भी रिवील कर दी गई है। और बताया गया है कि ये मूवी 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी, जहां इसका क्लैश होगा अक्षय कुमार और अर्शद वारसी की जॉली LLB 3 के साथ। अब बात प्रभास की हो ही रही है, तो उनकी एक और मूवी से रिलेटेड कुछ अपडेट है। मैं बात कर रहा हूं प्रभास और डायरेक्टर हनु राघव पुरी की अपकमिंग पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म फौजी की, जहां फाइनली इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, जहां अगस्त में सलार 2 के 15 दिन के शेड्यूल के बाद सितंबर के महीने के अंदर इस मूवी की फिल्मिंग शुरू की जाएगी। इसके अलावा ये मूवी बनेगी मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर के अंदर। खैर, अब मैत्री मूवी मेकर्स की बात हो रही है तो बता दूं कि मैत्री मूवी मेकर्स की प्रोडक्शन लाइनअप काफी तगड़ी है, और ऐसा कुछ तेलुगु सिनेमा में पहले कभी भी नहीं हुआ है, जहां 5 अलग-अलग टॉप टियर स्टार्स की सोलो मूवीज एक ही प्रोडक्शन हाउस के अंडर एक साथ डेवलपमेंट में हो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, आज से ठीक 5 महीने बाद मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर में अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल, जूनियर NTR और प्रशांत नील की ड्रैगन, प्रभास की फौजी, रामचरण की RC16 और पवन कल्याण की उस्ताद भगत सिंह, ये सारी मूवीज एक ही प्रोडक्शन हाउस के अंडर एक साथ डेवलप होगी। अगली अपडेट की बात करें तो अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर सुकुमार की पुष्पा 2 द रूल मूवी के शूट्स वापस रिज्यूम हो चुके हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। और कल इसी मूवी के शूट से कुछ BTS वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो फाइनली जॉन अब्राहम की वेदा मूवी की रिलीज की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, और इस मूवी का सेंसर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जहां इस मूवी को CBFC से UA का सर्टिफिकेट मिला है, वो भी बिना किसी कट के। मेकर्स को बस मूवी के स्टार्ट में एक डिस्क्लेमर लगाने को कहा गया है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इस मूवी के सेंसर प्रोसेस को लेकर काफी प्रॉब्लम हुई थी मेकर्स को, जहां मेकर्स ने अपने मूवी की रिलीज के 8 वीक पहले से ही इस मूवी को CBFC के पास सबमिट कर दिया था, लेकिन वहां से कुछ रिस्पांस ना मिलने की वजह से मेकर्स ने लास्ट वीक पब्लिकली आके एक पोस्ट डाली, जहां उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सामने रखी, जिसके बाद जाके इस मूवी का सेंसर प्रोसेस क्लियर हुआ। खैर, अब सेंसर प्रोसेस तो क्लियर हो चुका है, लेकिन अब देखना यह है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रोसेस कैसे क्लियर होता है, क्योंकि बॉस मूवी आ रही है 15 अगस्त को, जहां ऑलमोस्ट 5 से 6 मूवीज एक साथ में आने वाली है। अगली अपडेट की बात करें तो सलमान खान और डायरेक्टर सूरज बड़जात्या एक बार फिर से डिस्कशंस में है एक और नई मूवी के लिए। इससे पहले भाईजान सूरज बड़जात्या के साथ प्रेम की शादी मूवी करने वाले थे, जिसको भाईजान ने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अब जिस प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन चल रहे हैं वो एक टोटली नई स्क्रिप्ट है, साथ ही ये प्रोजेक्ट अभी काफी अर्ली स्टेजेस पर है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो काफी दिन बाद रणबीर कपूर और यश की रामायण मूवी से एक अपडेट आई है, जहां बताया जा रहा है कि इस मूवी की शूटिंग के लिए 12 मैसिव सेट्स को रेडी किया जा रहा है। इन सेट्स में रामायण की आइकॉनिक लोकेशंस लाइक अयोध्या और मिथिला जैसी सिटीज को रिक्रिएट किया जाएगा, साथ ही इन सेट्स को मूवी के 3D फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। इसके अलावा इन सभी सेट्स का कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रहा है, जिसका कंप्लीशन मिड अगस्त तक एक्सपेक्टेड है। इसी के साथ ये न्यूज भी सामने आ रही है कि रामायण मूवी के अंदर एक्टर कुणाल कपूर को भी कास्ट किया गया है, अब किस रोल के अंदर किया गया है ये अभी क्लियर नहीं है। आगे बात करें तो पीपल मीडिया फैक्ट्री और एक्टर गोपीचंद की फिल्म विश्वम से भी एक अपडेट है, जहां कल सुबह 11 बजे इस मूवी का टीजर ड्रॉप किया जाएगा। अगली अपडेट आ रही है तमिल फिल्म इंडस्ट्री से, जहां तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल ने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर किसी तमिल फिल्म के अंदर स्टार एक्टर मेन लीड में है तो वो मूवी अपने रिलीज के मिनिमम 8 वीक यानी कि 2 महीने के बाद ही OTT के ऊपर आ सकती है। तो ये एक काफी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि यूजुअली प्रोड्यूसर्स थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ क्लॉज साइन कर लेते हैं, और फिर रिलीज के 28 दिन के बाद ही मूवी OTT के ऊपर आ जाती है। और साथ ही इसी तमिल फिल्म्स प्रोड्यूसर्स काउंसिल की मीटिंग में एक्टर धनुष को लेकर भी काफी सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस की गई, जहां कुछ प्रोड्यूसर्स ने ये रिवील किया कि एक्टिंग फीस की एडवांस पेमेंट होने के बावजूद भी कई बार धनुष मूवी की शूटिंग के लिए आए ही नहीं, जिससे मूवी के क्रू को कुछ एक्स्ट्रा दिन काम करने पड़े थे, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को एक्स्ट्रा डेज का पैसा क्रू को अलग से देना पड़ता था, और इसलिए ही उन्हें काउंसिल की तरफ से रेड कार्ड भी मिला है। ओके, देन आज की बात यही तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, और एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कल और परसों वीडियोस नहीं आएंगे, तो प्लीज इंतजार मत करना। मिलेंगे फ्राइडे को। दिस इज जय सिनेमा वॉचिंग यस टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।